हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग को आगे के वीडियोस चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.3 लाइनर इक्वेशन का रैखिक समीकरण। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा। अगर आपने समझ लिया तो रैखिक समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं, और अगर रैखिक समीकरण ठीक से बन गया तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन नंबर 1। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी माइनस करने से 26 आएगा। ठीक है, एक संख्या को दूसरी संख्या से माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और दूसरी संख्या पहली संख्या की तीन गुनी है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, और माना दूसरी संख्या, बहुत इजी है, सिर्फ समझने का देर है, दूसरी संख्या y मान लिया। तो बुक में कहा गया था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, कहा गया था कि नहीं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो अगर एक संख्या से हम लोग दूसरी संख्या को घटाएंगे तो 26 आएगा। ये हो गया, इसे मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर कहा गया था कि, फिर बुक में ही कहा गया था कि देखिए यहाँ पे कहा गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी मान लेते हैं एक संख्या यानी x जो है वो दूसरी संख्या यानी y के तीन गुनी है, यानी y बराबर, यानी y इंटू 3, मतलब x बराबर 3y, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रतिस्थापना में क्या होता है कि एक समीकरण के मान को हम लोग दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के मान को x बराबर 3y जहां पे आया है उसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में क्या था, x माइनस y बराबर 26, x के जगह अब क्या लिखेंगे, x के जगह अब 3y लिखेंगे, 3y माइनस बराबर 26, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 3y आया, 3y से माइनस y करेंगे तो 2y बराबर 26। अब ये जो 2 है ये y के साथ गुना में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 2, फिर 2 को 26 से डिवाइड करेंगे तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 13 आएगा, यानी y बराबर 13, y बराबर 13 निकल गया। अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे। समीकरण नंबर 1 में क्या था, समीकरण नंबर 1 में था कि x बराबर 3y, तो x बराबर 3y को 13 लिखेंगे तो कितना निकल गया, 39। तो पहली संख्या x बराबर कितना निकला, 39, दूसरी संख्या y बराबर कितना निकला, 13। अब दोनों संख्याओं का अंतर कीजिए तो 26 आ रहा है, दोनों संख्याओं को अगर 39 से माइनस 13 करेंगे तो 26 आ रहा है, आप लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो हो गया, कितना आसान था, देखिए थोड़ा सा था सेक्शन नंबर 1। अब चलिए सेक्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि उतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद लिख सकते हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर 2 में आप लोग अपने बुक में देखिए, कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण क्या है, देखिए दो संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, एक संपूरक कोण 90 डिग्री, दूसरा संपूरक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, सॉरी संपूरक कोण मतलब क्या होता है कि दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x मान लेते हैं, और छोटा संपूरक कोण को हम लोग y मान लेते हैं।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है? 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो बड़ा संपूरक कोण है वो क्या है, छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये कहा गया है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर वन। ठीक है, समीकरण नंबर वन। अब देखिए, दोनों संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी अगर x प्लस वाई करेंगे, यानी छोटे संपूरक कोण को बड़े संपूरक कोण से प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 180। इसे मानते हैं समीकरण नंबर टू। अब देखिए, प्रतिस्थापना विधि से हल करना है, तो यहाँ पे x बराबर y प्लस 18 निकला है, यहाँ पे x है, इस x के मान को हम लोग इस x के जगह में पुट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 के मान को रखने पर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डायरेक्ट, क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है, मैं फिर से लिख रही हूँ। अब x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह y प्लस 18 लिख लेंगे, x के जगह y प्लस 18 लिखेंगे, प्लस y बराबर 180, वाई वाई 2y हो जाएगा, प्लस 18 बराबर 180 हो गया यहाँ पे। अब कितना है यहाँ पे, अब 2y 180 है, इस ये जो प्लस 18 है इसे माइनस 18 में चेंज करेंगे, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 180 से 18 करेंगे माइनस, तो 162 बटे 2, ये जो 2 गुना में था ये भागा में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81, यानी y बराबर 81। तो अगर y बराबर 81 निकल गया, यानी छोटे संपूरक कोण का कितना मान है, 18 डिग्री का है, तो अब क्या करेंगे, इस y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे। तो देखिए, x बराबर क्या था, x बराबर था y प्लस 18, y कितना निकला, 80 निकला, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 81 है, यहाँ पे 81 निकला है, y बराबर 81 निकला है, तो x बराबर क्या है, x बराबर है y प्लस 18, y प्लस 18, तो 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99। यानी जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री का है और छोटा जो कोण है वो 81 डिग्री का है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर टू। अब चलिए सेक्शन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि क्वेश्चन में कहा गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया है एक्सरसाइज 3.1 का, तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। हमें यहाँ पे एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, पहले मान लेते हैं, फिर और एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है, कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। एक बार में उसने 3,800 रुपए में 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा, मान लीजिए कि अगर एक पेन का मूल्य 2 रुपए है, तो 6 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। तो क्या किया हमने, 2 में 6 को गुना किया, तो 12 आया, 2 × 6 = 12। तो एक पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 6 पेन का मूल्य 12 रुपए, यानी गुना किया। तो हमने यहाँ भी सेम किया, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, यानी गुना किया 7x। फिर कहा गया है कि 6 गेंद, यहाँ पे 6 गेंद प्लस होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ खरीदा गया था। तो 6 गेंद यानी एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 6 गेंद का मूल्य 6y कितना रुपए में खरीदा गया था, तो 3800 रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, इसे मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1।
समीकरण नंबर वन मान लेते हैं 7x + 6y = 3800, ठीक है, हो गया। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, 3 बल्ले यानी 3x हो जाएगा और 5 गेंदे, इन दोनों को उसने एक साथ खरीदा, तब उसको कितना देना पड़ा, 1750 रुपए देने पड़े, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3x + 5y = 1750, तो क्या करेंगे, 5y को यहीं पर रहने देते हैं फिलहाल, 1750, ये जो 3x है प्लस में है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया, 1750 - 3x / 5 आ जाएगा 5। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में जो y का मान निकला है, इस समीकरण नंबर 2 के y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में जो y है, यहाँ पे y है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 1 में जो यहाँ पे y है, इस y में अब हम इस मान को बैठाएंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि समीकरण नंबर 2 के मान को समीकरण नंबर 1 में बैठाने पर, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में क्या है, देखिए समीकरण नंबर 1 में मैं फिर से लिख रही हूँ 7x + 6y = 3800, ठीक है, ये है। अब 7x तो 7x ही लिखेंगे, 6y, अब y के जगह देखिए, अब y के जगह हम लोग ये वाला मान लिखेंगे, 1750 - 3x, यानी हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मानों को हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, बराबर 3800 हो गया, ठीक है। तो अब 7x + 6y ये तो आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसे हम लोग गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 7x + 6 को एक बार 1750 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10500 - 6 को 3x से गुना करेंगे तो 18x, बटे में 5 है तो बटे में 5 लिख दिए, बराबर 3800 हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच लॉस और निकालते हैं, 7x है तो 7x/1 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग चाहे तो नहीं भी लिख सकते, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच अब लॉस और लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 को 7x के साथ गुना करेंगे तो 35x प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर 1 को 10500 से गुना करेंगे तो 10500, फिर 1 को 18x से गुना करेंगे तो 18x बराबर 3800, आप लोगों को लॉस बनाना आना चाहिए, हो गया। अब क्या होगा, 35x से -18x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17x प्लस 10500 / 5 बराबर 3800, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7x + 10500 को 1, यहाँ पे 1 है तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा सेम, बराबर 3800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी 19000 आ गया। अब देखिए 17x है, 17x को इधर रहने देते हैं, और ये जो 10500 प्लस में है इसे माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 17x बराबर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8500x बराबर 8500/17, तो आ जाएगा x बराबर 500। तो क्या था, बल्ले का मूल्य x रुपए हमने माना था, तो बल्ले का मूल्य 500 निकल गया। अब y बराबर देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर, यहाँ पे देखिए बल्ले का मूल्य कितना निकल गया, 500 निकल गया। y निकालना है तो y निकालने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 2 का हेल्प लेंगे। समीकरण नंबर 2 में क्या था, y बराबर 1750 - 3x / 5, यही था। तो अभी से यहाँ पे बना लेते हैं, तो क्या था समीकरण नंबर 2 में, y बराबर 1750 - 3x, x कितना निकला है, x निकला है 500/5, तो 1750 - 3 × 500 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1500
बट्टे फाइव 1750 से 1500 माइनस करेंगे तो 250 बट्टे फाइव यानी 250 को 5 से भागा देंगे तो 50, यानी y बराबर कितना निकल गया 50। y बराबर 50 निकल गया तो गेन का मूल्य कितना निकल गया यहाँ पे 50 रुपए। यानी एक बल्ले का मूल्य यानी एक बैट का कितना दाम था तो 500 रुपए और एक गेंद का दाम था 50 रुपए। ये था सेक्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब क्वेश्चन। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए सेक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर फोर में है ये क्वेश्चन, जो है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सही से समझने का कोशिश कीजिएगा सेक्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नगर में, क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने बुक में देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक टैक्सी में भाड़ा है कुछ नियमित जो भाड़ा है, मतलब एक दूरी तक चलेगी तो वह नियमित भाड़ा लेगी, फिर एक दूरी तक चल के अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा दूरी तय करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपसे पैसा लिया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। फिर से मैं समझाती हूँ, यहाँ पे कहा गया है कि नियमित भाड़ा, मतलब अगर आप मान लेते हैं, यहाँ पे मैं समझाती हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक आप अगर जाते हैं तो आपसे 50 रुपए लिया जाता है, 50 रुपए लिया जाता है, ये फिक्स्ड रेट है। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो फिक्स्ड रेट है। फिर अगर आप एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और जाते हैं, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और जाते हैं तो आपसे 5 रुपए फिर एक्स्ट्रा लिया जाता है। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो कितना लेगा 5 + 5 10 रुपए लेगा। तो जब भी आप 1 किलोमीटर बढ़ते जाइएगा तो आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि फिक्स रेट है 10 किलोमीटर में 50 रुपए, तो ऐसा कुछ बात है। लेकिन हमें पता नहीं है कि नियमित भाड़ा कितना है और कितने में, मतलब कितने किलोमीटर में कितना नियमित भाड़ा है, ये हमें पता नहीं है, जो कि हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना नियत भाड़ा ₹x है, माना नियत भाड़ा ₹x है और लिखेंगे माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ये भी हमें पता नहीं है कि 1 किलोमीटर में कितना पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा जाने पर, ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो हम, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपसे कहा कि 1 किलोमीटर में 5 रुपए देना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो लिखेंगे माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं ₹y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। अब इस 105 रुपए में क्या क्या सम्मिलित है, 105 रुपए में सम्मिलित है नियत भाड़ा सम्मिलित है, फिर 10 किलोमीटर में एक्स्ट्रा लगेगा आप लोगों को, मतलब आप अगर टैक्सी में चढ़ते हैं तो वो नियत भाड़ा तो आपसे लेगा ही। इसमें कहा गया है कि नियत भाड़ा मतलब फिक्स्ड रेट है, अगर आप टैक्सी में चढ़ते हैं चाहे 2 किलोमीटर जाइए चाहे 4 किलोमीटर जाइए, आपसे वो फिक्स्ड रेट लेगा ही। तो ये हो गया नियत भाड़ा। फिर आप जितना चलते हैं, जितना किलोमीटर चलते हैं उस हिसाब से आपको प्रति किलोमीटर का भाड़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर गया है तो अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹y है तो 10 किलोमीटर का 10 रुपए हो जाएगा, यानी 110 रुपए में, सॉरी 100
₹5 में, ₹105 में क्या क्या सम्मिलित था? नियत भाड़ा सम्मिलित था और प्रति किलोमीटर का भाड़ा सम्मिलित था। और यहाँ पे उसने कितना प्रति मतलब एक्स्ट्रा चला था, तो 10 किलोमीटर चला था। तो एक्स प्लस 10y बराबर 105, ये हो गया। तो यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे, x को इधर रहने देते हैं, 105 माइनस 10y, ऐसा करते हैं, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, फिर प्रश्न में कहा गया था कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155, 15 किलोमीटर में ₹155, ₹155 में क्या क्या है, नियत भाड़ा सम्मिलित है और उसने कितना किलोमीटर चला है, 15, तो 15y हो जाएगा और 155, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, आप लोग को लिखना है कि समीकरण नंबर 1 के मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 में क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान यहाँ पे कितना निकला है, x का मान यहाँ पे निकला है 105 माइनस 10y। अब x के मान के जगह हम लोग लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, हो गया। तो 105 अब माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 155, 155 हो गया। 5y को इधर ही रहने देते हैं, 155 प्लस जो 105 था इसे माइनस 105 हो गया, 5y बराबर 155 से 105 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 50। यानी 5 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी y बराबर 10 निकल गया। यानी अगर आपको मतलब 1 किलोमीटर में कितना जाएंगे, तो 1 किलोमीटर में जाने पर आपसे कितना चार्ज लिया जाता है, तो ₹10 आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। और हमें नियत भाड़ा नहीं पता, तो नियत भाड़ा निकालने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 1 का हेल्प लेंगे, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू वाई के जगह 10, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, यानी ₹5 हो गया। यानी नियत भाड़ा, यानी अगर आप टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठने पर ही आपसे ₹5 लिया जाएगा, फिर आप जितना किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से ₹10 जुड़ते जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, और एक प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब कितना भाड़ा देना होगा, देखिए 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर में क्या क्या सम्मिलित होगा। अगर कोई इंसान टैक्सी में बैठता है तो उसे नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, नियत भाड़ा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा उसे 25 किलोमीटर का कितना होता है, प्रति करके, प्रति जो पैसा होता है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो नियत भाड़ा हम लोग का कितना निकला, ₹5। फिर 25 किलोमीटर में हम लोग प्रति किलोमीटर का भाड़ा जोड़ेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा यानी y कितना निकला, 10 निकला। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज। देखिए यहाँ पे प्रति किलोमीटर का भाड़ा y ₹10 निकला था और नियत भाड़ा ₹5 निकला था, ठीक है ना। तो 25 इंटू 10 करेंगे तो 250, और नियत भाड़ा को भी जोड़ेंगे तो ₹255। तो अगर कोई व्यक्ति टैक्सी में बैठ के 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे कितना देना पड़ेगा, ₹255 देना पड़ेगा, ठीक है। ये था सेक्शन नंबर फोर हमने देख लिया, सेक्शन नंबर 1 हमने देख लिया, सेक्शन नंबर 2 भी देख लिया। अब चलिए सेक्शन नंबर 5 देख लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 5 में सबसे पहले क्वेश्चन समझ गए, यदि किसी भिन्न के अंक और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए,
भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे हमें अंश और हर ज्ञात करना है, ठीक है। अंश और हर ज्ञात करना है, बहुत इजी है, समझना होगा, सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए, रेखीय समीकरण बना लीजिए, फिर तो सॉल्यूशन आप लोग का निकल ही जाएगा। माना अंश बराबर लिखते हैं, माना अंश बराबर एक्स, अंश को एक्स मान लेते हैं, माना हर बराबर वाई। मतलब आप लोग को जो निकालने के लिए कहा जाएगा ना, यहाँ पे आप लोग को क्या निकालने के लिए कहा गया था, भिन्न निकालने के लिए कहा गया था, तो अंश और हर भिन्न है, तो आप लोग को सीधे सीधे सबसे पहले अंश को एक्स या हर को वाई, फिर हर को वाई या अंश को एक्स, कुछ भी मान लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो सबसे पहले ये पहले वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या, नियत भाड़ा को हमने एक्स मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा को वाई मान लिया। तो सबसे पहले तो ये करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है हमारा, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझ के रेखीय समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न क्या है, एक्स, भिन्न मतलब अंश होगा और हर होगा, ठीक है। अंश है एक्स, अंश को ऊपर लिखा जाता है, हर को नीचे लिखा जाता है, यानी एक्स बटे वाई हो गया। अब कहा गया भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो अंश में दो जोड़ेंगे, हर में दो जोड़ेंगे, तो दो जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है, यानी 9/11 हो जाता है। यही प्रश्न में कहा गया है, और तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x इंटू 2 को 11 से, y इंटू 2 को 9 से गुना करेंगे। x इंटू 2 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 11x प्लस 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 बराबर 9 को y से गुना करेंगे तो 9y, फिर क्या करेंगे, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, 11x, ये 9y है, माइनस 9y करते हैं और 18 है, इसे प्लस 22 को माइनस 22 कर लेते हैं, तो 11x माइनस 9y तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1, हो गया, आसानी से हो गया, कुछ करने की बड़ी बात नहीं है। तो फिर देखिए क्वेश्चन में और एक बार कहा गया है, अंश और हर में तीन जोड़ दिया जाए, अंश और हर, अंश है एक्स और हर है वाई, तीन जोड़ दिया जाए अंश में और हर में, जोड़ दिए हम लोग, जोड़ के क्या आएगा, 5/6 आएगा। फिर इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 को x से गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा 6 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 18 निकल जाएगा, ठीक है। 5 को y के साथ गुना करेंगे तो 5y प्लस 5 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 15, 6x माइनस 5y कर देते हैं, 15 को 15 रहने देते हैं और प्लस 18 को माइनस 18, तो 6x माइनस 5y, 15 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को इधर रहने देते हैं, ठीक है, माइनस 3 है, माइनस 5y था तो प्लस 5y, और ये जो 6x के साथ गुना में था इसे भागा में चेंज करते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापना विधि से हल करना है, तो x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में जो यहाँ पे है, x के मान में हम लोग अब इस मान को बैठाएंगे, इस वैल्यू को बैठाएंगे तो हमारा निकल जाएगा आसानी से। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं समीकरण नंबर 1 में क्या था, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11 है 11 लिखते हैं, x के जगह अब क्या लिखेंगे, माइनस 3 प्लस 5y बटे 6, फिर है माइनस 9y बराबर माइनस 4, यही है। तो अब हो जाएगा, अब देखिए 11 को अगर 5y से या फिर अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे सीधे तौर पे लिख लेते हैं, 5y माइनस 3, माइनस 3 को 5y लिखने के बजाय माइनस 5y माइनस 3 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
बल्कि आसानी से सुलझेगा। ठीक है, 11 को 5y से गुना करेंगे तो 55y, माइनस है तो माइनस दिए, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33, 11 को 5y से गुना किए फिर 11 को माइनस 3 से गुना किए तो बटे 6, माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे माइनस है, इन दोनों के बीच लॉस चलेंगे। ठीक है, अगर गुना रहता तो गुना करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस है तो लॉस चलेंगे, प्लस रहता तो भी हमें यहाँ पे लॉस लेना पड़ता, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को 50y से गुना करेंगे तो 50y हो जाएगा, 33 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बटे में 1 है तो 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 आएगा, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 9y से गुना करेंगे तो 54y बराबर माइनस 4। अच्छा, अब देखिए 55y और माइनस 5y कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 55y। अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं सबसे पहले, या फिर 50y को 5y से माइनस कर देंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे तो 55y माइनस 13 माइनस 5y आएगा, फिर माइनस 4 को अगर 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 24 आ गया यहाँ पे, सॉरी 54y होगा एक्चुअली, यहाँ पे 54y होगा। ठीक है, यहाँ पे 54y, 6 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 54y होना चाहिए, ना कि 5y होना चाहिए, तो 54y। अब 55y माइनस 33 माइनस 54y तो क्या हो जाएगा, 50y से माइनस 54y करेंगे तो y हो जाएगा माइनस 33 बराबर माइनस 24, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 33 यानी y बराबर 9, y बराबर 9 निकल चुका। y हमने क्या माना था, y हमने माना था हर को, तो हर 9 निकल गया। अब देखिए हमें x निकालना है, तो समीकरण नंबर 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण नंबर 2 से हमें प्राप्त हुआ था कि 5y माइनस 3 बटे 6। ठीक है, तो 5y, अब 5y 9 है माइनस 3 बटे 6, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9 हो जाएगा 45 माइनस 3 बटे 6, तो 45 से 3 माइनस होगा तो 42 बटे 6 यानी 7। तो x यानी अंश कितना निकल गया, अंश निकल गया 7 एंड हर निकल गया यानी y निकल गया 9। तो हमें भिन्न निकालने के लिए कहा गया था तो 7 बटे 9, वो भिन्न क्या है, 7 बटे 9 है। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सेक्शन नंबर 5। अब निकालेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु पूछा गया है, उसके जैकब की आयु पूछा गया है वर्तमान में। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पहले में हम लोग करेंगे कि मान लेंगे माना वर्तमान में पुत्र की आयु मान लेंगे वर्तमान में x और जैकब की आयु वर्तमान में y मान लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये कहा गया है। तो अगर वर्तमान में उसके पुत्र की आयु x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगी, जैकब की कितनी है, जैकब की अभी y है तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो जाएगी। अब कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ये कहा गया है।
कहा गया है कि नहीं, तो इसे सॉल्व करेंगे सिर्फ समझने का फेर है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझिएगा उतना जल्दी बनाइएगा। और इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बनाने का तरीका आप लोग को अलग अलग कहा जाएगा। प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि आप लोग आगे पढ़िएगा। तो 3x हो जाएगा 3 × x प्लस 3 × 15 करेंगे तो प्लस 15 हो गया। यहाँ पे 5 है, 5 रहने देते हैं। ये जो प्लस 15 है इसे माइनस 15 में चेंज करेंगे। 3x है, 3x माइनस y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 बराबर 3x माइनस y। इसे सीधे तरीके पे लिखते हैं तो 3x माइनस वाई बराबर माइनस 10, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, याद रखिए समीकरण नंबर 1 में क्या है। फिर देखिए बुक में फिर क्या कहा गया था, फिर कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो अगर वर्तमान में पहले लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व, इसे हेडिंग में लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, इसे हेडिंग में लिख लीजिए। तो अगर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, मतलब सॉरी वर्तमान में उसके पुत्र की आयु अगर x है तो 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु x माइनस फाइव हो जाएगी। जैकब की कितनी हो जाएगी, अगर वर्तमान में y है तो y माइनस फाइव हो जाएगी। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का उम्र 12 साल है तो 6 वर्ष पहले उसका उम्र कितना था, 6 साल, 12 में से हम लोग 6 को माइनस किए तो 6 साल आ गया। ठीक है, तो यहीं पे हमने सेम चीज किया कि 5 वर्ष पूर्व कितना हो गया, वर्तमान आयु से हमने माइनस 5 कर दिया दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है, वाई माइनस फाइव। 5 वर्ष पूर्व उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु कितनी, x माइनस फाइव, 7 गुनी थी यानी × 7 थी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं y माइनस फाइव, 7x माइनस 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसे हम लोग करते हैं माइनस फाइव है ना, माइनस फाइव को माइनस फाइव रहने देते हैं, माइनस 35 को प्लस 35 करते हैं, 7x है, इस प्लस y को माइनस y में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे 7x माइनस y, 7x माइनस y। तो इसे अगर सीधे तरीके से लिखा जाए 7x माइनस y बराबर 30, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा y को क्या करते हैं, y को 7x जो है 7x को 7x रखने देते हैं, प्लस 30 को माइनस 30 में चेंज करेंगे और ये जो माइनस y है इसे प्लस y में चेंज करेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर 1 में कितना था, 3x माइनस y बराबर माइनस 10 नहीं था। तो देखिये y का मान हमारे पास निकल गया 7x माइनस 13, तो 3x माइनस y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अब 7x माइनस 30 बराबर माइनस 10। तो 3x हो जाएगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 30 बराबर माइनस 10। पहले हमने ब्रैकेट से निकाला, 3x से माइनस 7x करेंगे तो 4x बराबर माइनस 10 प्लस 30 है तो माइनस 30, तो माइनस 4x बराबर माइनस 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 40। माइनस माइनस कट, 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 10, x बराबर 10। x हमने क्या माना था, x हमने माना था पुत्र की आयु। अब जैकब की आयु, जैकब की आयु निकालने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 2 में जैकब की आयु 7x माइनस y बराबर 30, तो इसे अगर सीधे तरीके से लिखा जाए y निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे यानी 7x माइनस 30, तो 7 × x निकल गया 10, 30 यानी 7 माइनस 30 तो निकल गया 40 निकल गया। तो x बराबर कितना निकला, पुत्र की आयु 10, 10 वर्ष है उसके पुत्र की आयु और जैकब की आयु 40 साल है, हो गया।
तो हमने ये एक्सरसाइज 3.3 का सारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था हमने निकाल लिया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक करना ना भूले एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।